फ्रेंड कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी गार्डनिंग विद नीलाक्षी। तो दोस्तों ये मेरे पास पर्सलिन के पौधे हैं और पंचलाका के भी पौधे मेरे पास बहुत से लगे। सारे कलर्स अवेलेबल हैं मेरे पास और इस समय फ्लावरिंग बहुत ही कम हो गई। अगर आपको सर्दियों में भी इसकी फ्लावरिंग पानी है, फरवरी तक इसकी फ्लावरिंग पानी है, तो मैं एक ऐसा फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ जो मिनटों में आप दे सकते हैं और इससे भर भर के फ्लावरिंग होगी। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। एक ऐसा कौन सा छोटा सा फर्टिलाइजर है जिसे आप चलते फिरते भी इसमें यूज कर सकते हैं, कोई भी टाइम नहीं लगेगा, कुछ बनाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, फटाफट ये फर्टिलाइजर डालिए और अगले दिन से ही इसका रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आपको वाटरिंग करनी है और अगले दिन से ही इसका रिजल्ट देखिएगा। जिस तरह से मेरी पंचलाका पर्सलिन में फूल आ रहे हैं, उसी तरह आपके भी पर्सलिन और पंचलाका में फूल आएंगे, क्योंकि मेरे जो पंचलाका और पर्सलिन के पौधे होते हैं वो फरवरी तक ब्लूमिंग करते रहते हैं। फ्लावरिंग कम हो जाती है लेकिन ब्लूमिंग करना बंद नहीं करते। उसके बाद मैं कटिंग कर देती हूँ और फिर से ये ब्लूमिंग स्टार्ट कर देते हैं। और अगर कटिंग सेव करना चाहते हैं तो विंटर में आप इनको छोटे छोटे पॉट में कलेक्ट करके रखिए। जो भी जितने आपके पास कलर्स हैं उन्हें आप अलग अलग पॉट में सिफ्ट करके ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे कोहरा बिल्कुल ना पड़े और हल्की मॉर्निंग की सनलाइट आती हो, ऐसी जगह पर रखिए। ओवर वॉटरिंग नहीं करनी है। आप जो कटिंग सेव करेंगे उसमें पत्तियाँ तो झड़ जाएंगी लेकिन वो कटिंग्स मतलब कि ख़राब नहीं होंगी। फिर उनसे आप जब सीजन आएगा फरवरी मार्च फिर से ग्रो कर सकते हैं। और पुरानी कटिंग्स को रखने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि आप फरवरी में नई कटिंग ग्रो करते हैं, ये इतनी जल्दी फ्लावरिंग नहीं करती है। जब बारिश होती है तभी ये फ्लावरिंग करती है। लेकिन जो पुरानी कटिंग्स होती हैं उनकी आप कटिंग कर देंगे तो ये मार्च अप्रैल तक अच्छे से फ्लावरिंग करने लगती है। इसलिए मैं जल्दी गमले खाली नहीं करती हूँ। बहुत सारे जो गमले होते हैं उनमें ये लगे ही रहते हैं, फिर कटिंग कर देती हूँ तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करने के तैयार हो जाते हैं। इस पर खाद पानी दे देती हूँ। मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं और इस पौधे में खास बात ये भी होती है कि जब ये आप कई सारे रंग बिरंगे लगाते हैं तो इनसे बहुत सारे नए कलर भी बन जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर देना है जो सर्दियों में भी आपके पर्सलिन और पंचलाका में ब्लूमिंग कराएगा। तो सबसे पहले खास बात ये है कि एक बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सर्दियां आप शुरू होने लगी हैं, सर्दियों वाले फूलों के पौधों का टाइम आ गया है। इनका आपको ध्यान क्या, यहाँ इनको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे पूरे दिन की सनलाइट आती है। सर्दियों में सनलाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो ऐसी जगह चूज़ कर लीजिए जहाँ पे अच्छी सनलाइट आती हो, चाहे पर्सलिन हो या फिर पंचलाका हो। सर्दियों में इसमें वाटरिंग कम करनी है, जब मिट्टी बिल्कुल सूख जाए तभी इसमें वाटरिंग करिए। गर्मियों में ऐसा नहीं करना है, गर्मियों में आप इसे फुल वाटरिंग करिए, अच्छे से पानी दे सकते हैं, लेकिन सर्दियों में इसको बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। इसमें मिलीबग भी लगने लगता है, इसलिए जो आप कपड़े धुलते हैं उसका जो पानी होता है बचा हुआ उसका आप इस छिड़काव करिए तो मिलीबग की समस्या भी इसमें दूर हो जाती है। अगर किसी पार्ट में ज़्यादा मिलीबग लग गया है तो उसको आप कट कर दीजिए, कट करके हटा सकते हैं। और छोटे पॉट में लगे जो पर्सलिन और पंचलाका के पौधे हैं उसमें भी आप अच्छे से फ्लावरिंग पा सकते हैं मेरे बताए हुए इस फर्टिलाइजर से। फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होता है इस फर्टिलाइजर में। और इसका आप वेस्ट जो इसका बचता है उसका भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, आपके किचन में मौजूद है। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है। बस एक एक चम्मच आपको बड़े पॉट में 2 चम्मच और छोटे पॉट में 1-1 चम्मच इसका आपको देना है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। नंबर एक फर्टिलाइजर मैं बताने वाली हूँ कि जो आपके यहाँ सर्दियों में राख बच जाती है उसको बिल्कुल ना फेंकें। उसकी 2-2 चम्मच आप अपने सभी पॉट में डाल दीजिए। गुड़ाई तो इसमें हो नहीं पाती है लेकिन आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हल्की वाटरिंग करिए, इतनी वाटरिंग करनी है कि पानी बाहर ना गमले से आए। तो ये राख वाला जो फर्टिलाइजर होता है पेस्टिसाइड का भी काम करता है और फर्टिलाइजर का भी काम करता है। अगले दिन से ही आप देखेंगे पर्सलिन और पंचलाका में ब्लूमिंग दोगुनी हो गई। हफ्ते में एक बार इस फर्टिलाइजर को आप दीजिए, शाम के टाइम दीजिए। और दूसरा फर्टिलाइजर तो बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको भी आप 2-2 चम्मच अपने सभी तरीके के गमले में डालिए। इसका बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है, इसे आप गुलाब के पौधों में भी दे सकते हैं, मनी प्लांट में भी दे सकते हैं। यह है चाय की पत्ती, तो आप यूज की चाय की पत्ती भी डाल सकते हैं लेकिन यूज की चाय की पत्ती आप केवल मनी प्लांट और इसमें गुलाब के पौधों में दीजिए। इसमें आप सूखी चाय की पत्ती जो बिना यूज की हुई वो दीजिए, क्योंकि इसमें गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए इसमें आप 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच डालिए, फिर देखिए कितनी ज़्यादा ब्लूमिंग बढ़ जाती है। इस फर्टिलाइजर का आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। इसको 1 गिलास पानी में भिगो के आप जितनी क्वांटिटी बढ़ा के आप इसको ज़्यादा पानी में भिगो के अपने सभी पौधों में 1-1 या 1-1 कप दे सकते हैं। इससे भी आपके पौधों में ब्लूमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप ये दोनों फर्टिलाइजर के यूज करिए, सर्दियों में भी इनसे बहुत सारे फूल पाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड फॉलो करें।